बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज जो हमारा डिस्टेंपर का काम रह गया था मैं और फ़रियाद भाई वो कर रहे हैं शुरू। फ़रियाद भाई ने शुरू कर दिया था, मैं बाहर था घर से, थोड़ा सा काम था वो मुकम्मल करके आया हूँ। तो अभी मैं और फ़रियाद भाई किचन का जो काम है पकाया वो करेंगे, डिस्टेंपर का जो काम है तो उसको भी करेंगे, पिंक कलर डिस्टेंपर किचन को भी। तो उसके बाद फ़रियाद भाई कमरे की बारी है, यह फ़रियाद भाई का कमरा है लेकिन इसकी बारी कल आएगी। आज हम जो बाहर का काम है किचन है, थोड़ा सा सेन है, सीढ़ी वगैरह वो क्लियर करेंगे। और शाम को मैं जाऊंगा हार रोड भी, अबू जान का जो मोबाइल है जो मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है हार रोड, वो आज मिल जाएगा तो वो शाम को लेने जाऊंगा। मिलता या नहीं मिलता वो बाहर बाद की बात है, जाकर पता करेंगे। आज का वैसे टाइम है कि आज वो आपका मोबाइल मिल जाएगा, तो शाम को जाऊँगा हार रोड, देखूँगा मोबाइल मिलता है या नहीं। पहले हम करेंगे ये वाला काम मुकम्मल। वर्दी मैंने चेंज कर ली है जो डिस्टेंपर के लिए रखी हुई थी, ये देखें ताज वगैरह लगे हैं। ये एक शर्ट है और नीचे शलवार है, ये शलवार है। तो ये डिस्टेंपर के रखी हुई थी, जिस दिन का डिस्टेंपर जिस दिन का शुरू किया हुआ है उसी दिन की ये वर्दी है, तो ये चेंज कर लिया। ये किचन है हमारा घोड़ा पौड़ी, लॉक रख दिए पहले से, तो आज इसकी बारी है। अभी डिसाइड कर रहे हैं फरियाद और अमी जान अंदर कौन सा कलर करना है, यहाँ पर जो भी डिसाइड होगा वो कलर करेंगे। यहाँ पर ये वाला कलर डिसाइड हुआ है पिंक, जो पहले किया हुआ है ये हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा इसमें नया ऐड करेंगे, यानी कि थोड़ा सा और बनाएंगे डिस्टेंपर। डिस्टेंपर बनाने के बाद यही कलर कर देंगे, पहले भी यही है ये आप देख सकते हैं। और आसानी से ये होगी कि सिर्फ एक ही कोट मारना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा कलर तेज़ कर लेंगे पिंक को, तो एक ही कोट में ये कमरा मुकम्मल जो किचन हमारा ये तैयार हो जाएगा। अगर कोई और कलर करते तो पहले हमने वाइट करना था, उसके ऊपर दूसरा कलर करना था, लेकिन ये एक ही कोट में हो जाएगा मुकम्मल, टाइम भी बच जाएगा। ये ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट डालेंगे पहले इसमें, क्योंकि यही कलर बनाना था इसमें डाल लेंगे। ये देखो बाल्टी कितनी ज़बरदस्त है, थोड़ी अंधी खराब होगी। ये बाल्टी हम लेकर आए थे मजंग से, न्यू मजंग से, वहाँ पर फिराज भाई का एक दोस्त है अरशद भाई जो डिस्टेंपर का काम करता है, बहुत पुराना है वो कारीगर इसका, तो उसने हमें ये लेकर दिया था डिस्टेंपर। और ये बहुत ही अच्छा डिस्टेंपर है, गाढ़ा बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा काम जो होता है यानी कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। जो एक बाल्टी हम यहाँ से लेकर आए थे वो इतना पतला था, यकीन करें अगर इस एक बाल्टी में से ये चार बाल्टियाँ निकलती हैं तो वो उसमें से दो निकली थी, यानी कि आधा का फ़र्क था। थोड़ा सा गिल्लू ऐड करेंगे, है भी सी ऐसा कि नहीं है, थोड़ा सा गिल्लू ऐड करेंगे, गिल्लू उसमें पानी में ज़्यादा मिक्स करके, उसके बाद डिस्टेंपर मिक्स करेंगे। उसके बाद आ जाएगी जो पिंक कलर है जिसको हम टीका बोलते हैं पिंक, जो इस कलर को तेज़ करेगा, उस कलर की बारी आ जाएगी, वो भी इसी तरह पानी में थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे मिक्स, यानी कि डिस्टेंपर में कलर को हल करेंगे ताकि सारा जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिजान बैठा हमारे साथ, फिजान क्या कर रहा है, इधर तो देख, की करना पे देख रहा हूँ, क्या देख रहा है, हैं? ये रंग है पिंक कलर जो अभी आपको रेड नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही डिस्टेंपर में हम इसको मिक्स करेंगे ये पिंक कलर में अपनी कलर पकड़ लेगा पिंक कलर का। ये देखिएगा पिंक कलर की शेप पकड़ेगा जब ये मिक्स हो जाएगा। तो पहले करेंगे मैं और फिराद भाई इसको मिक्स, ये आप देख सकते हैं जैसे मिक्स होता जा रहा है इसकी जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये हमने बहुत तेज़ कलर कर लिया है, तेज़ कलर इसलिए किया है कि एक ही कोट में हमारा जो है कलर तेज़ हो जाए, फीका ना पड़े, ताकि दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत तेज़ कलर होगा पिंक, और ऐसे इसको 20 से 25 बार हम एक बाल्टी में से दूसरी बाल्टी में, दूसरी बाल्टी में फिर पहले वाली बाल्टी में, इसको जिसको पट्टियाँ बोलते हैं पट्टियाँ देंगे तो ये कलर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, इसमें बहुत ही प्यारा कलर आएगा। किचन हो चुका हमारा मुकम्मल, ये हमारी आइसक्रीम की मशीन है जो हम गर्मियों में लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाई, शहजाद भाई की शादी के बाद ये आइसक्रीम भी लगाएंगे। तो किचन हो चुका हमारा मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं अभी खुश्क नहीं हुआ,
खुश्क होगा तो ये अपना जो रंग है वो देना शुरू हो जाएगा। ये जगह रह गई है, इस जगह पर हमने खुद ही नहीं किया, यहाँ पर तार थी। और फ्रियाद भाई बना रहे हैं नया डिस्टेंपर, येलो कलर में, येलो नहीं है बेसन कलर आएगा ये, जब खुश्क हो जाएगा तो बेसन कलर का कलर आ जाएगा। फ्रियाद भाई ने भी सामने वाली दीवार है जो उस पर डिस्टेंपर कर रहा है सफ़ेद कलर का, एक और पहले लगा लिया था लेकिन उसका कलर नहीं आया था क्योंकि नीचे जो वाइट नहीं किया था हमने, पिंक कलर था, पिंक के ऊपर सफ़ेद कलर लगा दिया था, तो अभी पता नहीं कैसा कलर आता है। दूसरा कोट लगा रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि सफ़ेद कलर आएगा, क्यों फिर साहब? क्योंकि रंग ही उतना तो आ रहा है। इस साइड पर ये वाला कलर अभी मैंने किया ताज़ा, खुश्क हो रहा है ये आप देखें, वो ऊपर से रह गया, वो सीढ़ी लगा कर फिर भाई करेंगे बाद में। कितना सुंदर है ओए, गिला ही दे पर हाँ कपड़े लग जाएगा, इधर हो जाए कपड़े लग जाएगी। मैं अभी नहाऊंगा, नहा कर जाऊंगा हार रोड, तो हार रोड से जाकर लाएंगे मोबाइल, तभी नहाते हैं, नहा कर चलते हैं हार रोड, नहा कर कपड़े मैंने बदल लिए हैं, अब चलेंगे हार रोड। और पीछे देख रहे हैं जे पेंडू की वीडियो, ये देखिए आप LCD पर जे पेंडू है, जे पेंडू आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी जे पेंडू की, तो जे पेंडू वीडियो देख रहे हैं, उसमें उसके जो दोस्त वगैरह जो यूट्यूबर हैं वो भी साथ रह रहे हैं, पीछे मैं भी आईने में नज़र आ रहा हूँ। तो अभी चलते हैं हार रोड, क्योंकि जो जान है वो अभी होने लगी है, टाइम हो चुका है शाम का, मगरब की अजान अभी होना शुरू हो जाए, 5 मिनट में शुरू हो जाए, लेकिन टाइम हो गया तो चलते हैं अभी जल्दी जल्दी से हार रोड, काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे वापस आने में भी। अभी मैं जब ही निकला घर से हार रोड जाने के लिए तो रास्ते मुझे कॉल आई और उतरना पड़ा मून मार की, तो भाई रंग देते पास बैठ गया मैं, बाकी भाई उधर बैठे हैं, तो बातों बातों में टाइम भी काफ़ी हो गया, और मुझे इधर आकर पता चला कि हार रोड 6 बजे मार्केट से सारी की सारी जो है वो बंद हो जाएगी, जहाँ तक भाई रंग से पता चला। तो अभी मैं मार्केट नहीं जाऊँगा, वापस जाऊँगा घर, थोड़ी देर बैठूँगा भाई रंग के पास, उसके बाद चलेंगे वापस घर, तो घर जाकर देखेंगे पेंट कितना हुआ, सफर जो कर रहा है प्रयास भाई, मैं इधर आ गया था, तो घर जाकर देखेंगे कितना किया और कितना रह गया, तो बाकी सफर करेंगे सुबह। वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अगले दिन सुबह अच्छी है, कल रात को बहुत लेट आया मगर भाई रंगदेव के साथ बैठ गया, उसके साथ ही घर आया प्रयास भाई, अंदर जो उनका बेड है उसका एक जो नट बोर्ड है वो नहीं खुल रहा, उसको काट रहा है छैनी थोड़ी के साथ, तोड़ रहा है यानी कि उसको, तो उसकी आवाज़ भी आ रही है अंदर। आज करेंगे फिर भाई कमरा, तो कल काफ़ी हद तक काम खत्म कर लिया था हमने। ये वाली साइड रह गई थी, पता नहीं कलर ख़त्म हो गया था या क्या वजह, क्योंकि मैं तो चला गया था, तो ये भी सारी हो गई है, आज इनकी बारी है ये और फिराद भाई का कमरा, आज इंशाल्लाह ये काम हम अपना ख़त्म करेंगे। तो पहले करेंगे नाश्ता, अपने कमरे का जो छत है उसको डिस्टेंपर करना होगा शुरू। ये देखिए आज जो नील कलर है वो बहुत तेज़ है, तो पहले की नस्बत हमने जैसे पहले हम बनाते थे छत के लिए उसमें सारा सारा नील डाल रहे थे, लेकिन वो नील नहीं होता था, लेकिन आज हमने यहाँ पास हमारी एक शॉप है वहाँ से नीला आया, वो भी सारा डाल दिया, बहुत तेज़ रंग हो गया, ये देखें वहाँ से नज़र आ रहा है, और जो अंदर वाला है उसमें वहाँ से नज़र नहीं आ रहा, उसमें वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन ये प्योर नील है, क्योंकि जब खुश्क हो जाएगा सूख जाएगा तो ये बहुत गाढ़ा रंग हो जाएगा। कमरे को नीचे से जो वाइट कलर है वो हो चुका, ऊपर से रह गया था ख़त्म हो गया था, फिर भाई नया बनाया, और जो उस पर पैरेट कलर करना है डिस्टेंपर वो कलर ख़त्म हो गया, अभी मैं वो लेने जाऊँगा फिर भाई की बाइक पर, तो पैरेट कलर और एक पिंक कलर दो कलर लेकर आएंगे, पैरेट कलर इस कमरे के लिए और पिंक कलर किचन के लिए, क्योंकि किचन में अम्मी जान और अबू जान बोल रहे थे कि किचन में जो कलर है वो ठीक नहीं हुआ, तो एक बार दोबारा तो करना है, तो पिंक कलर भी नहीं था तो दो कलर ले गएंगे। ये काफ़ी है फराबे की मोटरसाइकिल की, तो अभी हम जाएंगे, मैं हम नहीं जाएंगे, मैं अकेला जाऊँगा, तो जाकर लेकर आते हैं, ये देखें ये सफ़ेद कलर है, लेकिन जैसे खुश्क हो जाएगा ये अपने असल
कलर मैता जाएगा। इधर फिर आप ही कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा रह गया ऊपर ऊपर से। टाइम हो रहा है 4:45 का, तो नहाने का भी टाइम नहीं है, 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, हार रोड भी 6 बजे बंद हो जाएगा। मुँह हाथ धोएंगे, मुँह हाथ धोकर कपड़े बदलेंगे, कपड़े बदलने के बाद जाएंगे हार रोड, क्योंकि हर हाल में 6 बजे से पहले पहुँचना है। और जाना भी मैंने हाईएस में होता है, बाइक पर नहीं जाता मैं, हाईएस पर जाऊँगा तो आधा घंटा तो वैसे सफर का लग जाएगा, बाइक पर जाना फिर 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन हाईएस में स्टॉप करना होता है, सवारी उठानी सवारी उतारनी, तो वो 10-15 मिनट बाइक से ज़्यादा ले जाती है, आधा घंटा वहाँ पर लग जाएगा। मुँह आता होगा 10-15 मिनट घर में लग जाएंगे, तो 6 बजे से पहले उम्मीद है कि मैं पहुँच जाऊँगा। ये हार रोड भाई शोक की शॉप पर, जहाँ पर मैं कल बैठा था भाई रंग वो बैठे सामने, तो उतर गया हूँ वापसी आगरा रोड से फूल मार्केट पे, भाई रंग देव से मेरे काम का थोड़ा सा बात करने के, तो मोबाइल मुझे आज भी नहीं मिला, मोबाइल वाले ने फिर कल पे डाल दिया, तो कल फिर जाएंगे हार रोड। तो अभी मैं इधर हूँ, थोड़ी देर भाई रंग से बात करूँगा, बात करने के बाद जाऊँगा मैं वापस घर। अपने मोहल्ले में हम आ चुके हैं, मैं और रंगदेव भाई कल भी इकट्ठे आए थे, आज भी इकट्ठे आए हैं, तो घर को जा रहे हैं। हूँ फिराज भाई ने दरवाज़ा खोला, तो फिराज भाई ने अभी भी अपने कपड़े जो है नहीं बदले, है नहीं बदले। टाइम हो रहा है 1:30 का, तो अरम साहब उठ गए हैं रात को, भूख लगी है तो इसकी मामा दूध गर्म करने के लिए गई है इसका, ये वैसे उठता नहीं है रात को, भूख लगे तो फिर उठता है, तो सोता रहता है, तो अभी इसको दूध पिलाएंगे फिर सोएंगे। मैं वैसे कंप्यूटर मैंने बंद कर दिया था, अभी बंद किया है, तकरीबन 10 मिनट हुए होंगे, तो सोने की तैयारी कर रहा था, ये भी उठ गया। ये वीडियो मैंने कल ख़त्म करनी थी, लेकिन चलें अभी ख़त्म कर देते हैं इस वीडियो को, तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।